अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 28, जिसमें हमने आज अपना चौथा चैप्टर स्टार्ट करना है। सो फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो क्या है हमारे पास, वर्क एंड एनर्जी। और इस चैप्टर के भी चैप्टर नंबर 2 और 3 की तरह दो पार्ट्स हैं। एक हमारे पास रिलेटेड है वर्क और पावर से, और सेकेंड हमारे पास जो पार्ट है वो हमारे पास एनर्जी और उसके डिफरेंट फॉर्म्स से रिलेटेड है। तो हम अपना पहला पार्ट पहले स्टार्ट करेंगे, जो क्या है हमारे पास वर्क। हम वर्क को आज डिफाइन करेंगे और देखेंगे कि अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो हमारे पास वर्क क्या होता है, क्या इक्वेशन होती है, पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो वर्क क्या होता है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात के वर्क डायग्राम क्या होती है हमारे पास। हम लोगों ने वर्क डायग्राम बनाना सीखनी है और उसको इस्तेमाल करना भी सीखना है हमारे पास, ठीक है। सो अगर मैं सबसे पहले इक्वेशन लिख देता हूँ वर्क की, तो वो हमारे पास ज़्यादा आसानी पैदा कर देती है। सो मैथमेटिकली वर्क जो होता है वो हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। और आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट के बाद हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आती है, तो वर्क हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, जो कि तब प्रोड्यूस होती है जब हम किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाते हैं और उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट पैदा होती है। तो जब भी किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाएंगे और उसके अंदर वो जो फोर्स लगी है वो डिस्प्लेसमेंट की वजह बनेगी उस चीज़ की, तो हम कहेंगे कि फोर्स लगने की वजह से कुछ ना कुछ वर्क हुआ है, जो कि हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। हम इसको इसकी मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये डॉट प्रोडक्ट के बाद ही क्यों आया है, हम ले एक छोटी सी एग्जांपल देख के इसके बारे में समझ सकते हैं। लेट्स से हमारे पास एक बॉक्स है, और ये जो बॉक्स है इसके ऊपर फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, और ये जो फोर्स है लेट्स से इस की मदद से एंगल बना रही है थीटा, और ये हमारे पास फोर्स। अब जैसे ये फोर्स लगेगी तो जारी बात है ये जो बॉक्स है ये इस डायरेक्शन में आगे घिसटता हुआ या ड्रैग करता हुआ आगे की तरफ जा रहा होगा। तो हमें ये देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अगर हो रही है तो फोर्स का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि इस डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग मदद कर रहा है उस चीज़ की। तो फोर्स के दो कंपोनेंट निकल आते हैं। आपको पता है कि थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है वो हमारे पास एफ कॉस थीटा होता है, और जो उसके परपेंडिकुलर होता है वो हमारे पास जो होता है वो एफ साइन थीटा होता है। तो दोनों एफ के जो कंपोनेंट हैं उनमें से जो एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, जो एक्स कंपोनेंट है या कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, जारी बात है ये डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग है, ये डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग है, उसके पैरेलल है, तो यही डिस्प्लेसमेंट करने में मदद करेगा। वाई वाला अगर ऊपर लेके जाना होता ना चीज़ को तो फिर वाई वाला हेल्प कर रहा होता, लेकिन इस वक्त डी यानी कि डिस्प्लेसमेंट करवाने में ये कोई हेल्प नहीं कर रहा, हेल्प कर रहा है सिर्फ एफ कॉस थीटा। सो इसका मतलब है कि हमारे पास वर्क जो होता है वो होती है हमारे पास फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, और इस हिसाब से हमारे पास फोर्स का जो इफेक्टिव कंपोनेंट है वो एफ कॉस थीटा है, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास डी है, तो हमारे पास बन जाए एफ डी कॉस थीटा। और आपको पता है ए कॉस या ए बी कॉस थीटा बराबर होता है ए डॉट बी के, तो इसी तरह एफ डी कॉस थीटा बराबर होगा हमारे पास एफ डॉट डी के। सो हमारे पास ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की बात आती है। तो जब हम इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं तो हमारे पास वर्क के बारे में पता चल जाता है कि हमारे पास वर्क तभी प्रोड्यूस होगा जब हमारे पास तीन चीज़ें लाजमी होंगी। नंबर वन फोर्स लग रही हो, नंबर दो डिस्प्लेसमेंट हो रही हो, और हमारे पास जो नंबर तीन है वो हमारे पास एफ और डी के दरमियान में आने वाला थीटा है यानी कि एंगल है। अब वर्क सिर्फ और सिर्फ एफ और डी पे खाली डिपेंड नहीं कर रहा, ये डिपेंड कर रहा है थीटा की वैल्यू पे भी। थीटा की ऐसी वैल्यू जो कि कॉस को ज़ीरो करवा देती है उसके ऊपर वर्क ज़ीरो हो जाएगा, थीटा की ऐसी वैल्यू जिस पे कॉस पॉजिटिव निकलता है उस पे वर्क भी पॉजिटिव होगा, और अगर थीटा की ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर कॉस नेगेटिव निकलता है तो हमारे पास वर्क भी नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा। ये बात नहीं है कि वर्क की वैल्यू नेगेटिव है, स्केलर क्वांटिटी की जो वैल्यू होती है या मैग्नीट्यूड होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन हमारे पास वर्क की सेंस बन जाती है कि हमारे पास नेगेटिव अगर वर्क है तो इसका मतलब है कि हमारे पास एंगल की एक खास वैल्यू आ गई जो कि हम लोग इधर देखेंगे। सो बेसिकली वर्क को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि जब भी किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगी है और उसने डिस्प्लेसमेंट कॉज करवाई है एक ख़ास एंगल के ऊपर, तो हमारे पास कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ है जो कि हम लोग इस इक्वेशन की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ डॉट डी डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है तो उसके बाद आने वाली क्वांटिटी स्केलर ही होगी, तो वर्क हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। और डॉट प्रोडक्ट ही क्यों आ रही है या एफ कॉस थीटा ही क्यों आ रहा है
ये हम लोगों ने एक छोटी सी एग्जांपल की मदद से अंडरस्टैंड कर ली है और देखा है कि एफ डी कॉस थीटा अब वर्क जो है वो तीन वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एफ डी और थीटा पे। तीनों में से किसी भी एक चीज़ की वैल्यू जीरो हो जाए तो हमारे पास वर्क जो होता है वो जीरो हो जाए। अगर एफ जीरो हो जाए तो तब भी वर्क जीरो है, डी जीरो हो जाए या फिर कॉस ऑफ थीटा जीरो हो जाए तब भी हमारे पास वर्क जीरो हो जाता है। सो देखते हैं कि हमारे पास जो जीरो वर्क होता है वो कब होगा। अब वर्क है हमारे पास एफ डी कॉस थीटा। सर बताए अगर एफ जीरो हो जाए या फिर डी जीरो हो जाए या फिर कॉस ऑफ थीटा जीरो हो जाए तब हमारे पास वर्क जो है वो जीरो हो जाता है। और अगर थीटा की वैल्यू देखना चाहें तो थीटा क्या हो जाएगा, कॉस उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स ऑफ जीरो, और हमारे पास कॉस इनवर्स ऑफ जीरो हमारे पास 90 डिग्री होता है। इसका मतलब है कि जब भी थीटा जो कि हमारे पास एफ और डी के दरमियान में आने वाला एंगल है जब भी ये 90 डिग्री होगा तो हमारे पास वर्क डन, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स चाहे जितनी मर्जी लग रही हो हमारे पास वर्क डन जो होगा वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे एक चीज़ पड़ी है या यहाँ पे एक चीज़ थी, अगर मैंने उसको ऊपर उठाया हुआ है मतलब फोर्स मैंने उसके ऊपर ऊपर लगाई हुई है और मैं उसको आगे लेके जा रहा हूँ और मैं इसको फाइनली यहाँ पे लेके आता हूँ तो इस वक्त मेरे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल 90 बन रहा है। तो इसका मतलब है कि इस चीज़ को यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा। जैसे कि मैं अगर इस मार्कर की एग्जांपल दूँ, अगर मैं इस मार्कर को लेके आता हूँ इस तरफ से बस इस तरफ तो मैंने ज़ीरो वर्क किया, बिकॉज मार्कर को उठाने के लिए मैंने फोर्स लगाई हुई है ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रही है बिल्कुल आगे की तरफ, तो इन दोनों चीज़ों के दरमियान में जो एंगल है वो हमारे पास 90 डिग्री बन रहा है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल 90 बना तो कॉस ऑफ 90 जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय एफ डी एवरीथिंग विल बिकम जीरो। सो हमारे पास वर्क डन जीरो तब होता है जब हमारे पास दोनों के दरमियान में एंगल 90 होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो हमारे पास वर्क डन जीरो होता है। इसी तरह अगर हमारे पास कॉस ऑफ थीटा पॉजिटिव होगा और वो होता है हमारे पास जब एंगल 90 से लेस हो तो हमारे पास वर्क डन भी पॉजिटिव होगा, और इसी तरह जब हमारे पास कॉस ऑफ थीटा नेगेटिव होगा और वो तब होता है जब थीटा 90 से ज़्यादा हो यानी कि 91, 92, 93 से लेकर 180 तक, तो हमारे पास वर्क डन जो होगा वो भी नेगेटिव होगा क्योंकि कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। सो हमारे पास वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और ज़ीरो कब होगा, किन एंगल्स पे होगा, ये हमें ज़बानी याद होना चाहिए कि अगर एंगल 90 से कम है यानी कि 89, 88, 87 वगैरह उस पर वर्क पॉजिटिव होना क्योंकि कॉस ऑफ थीटा ऐसे एंगल्स पे पॉजिटिव निकलता है, 90 से बड़े एंगल होंगे तो उस पर कॉस ऑफ थीटा नेगेटिव निकलेगा तो वर्क भी, और जब एग्जैक्टली 90 होगा तो हमारे पास कॉस ऑफ थीटा जीरो होगा और हमारे पास वर्क डन भी जीरो होगा चाहे जितनी मर्जी हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लग रही हो। इसी तरह फोर्स या डिस्प्लेसमेंट या ये दोनों ये भी अगर ज़ीरो हो जाए तो तब भी वर्क को ज़ीरो करवा देंगे हमारे पास, ठीक है। तीसरी चीज़ हमारे पास इसके अंदर आती है वर्क डायग्राम, और क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स तो हमें ये पता होना चाहिए कि पहले कांस्टेंट फोर्स है क्या तब हम वर्क डायग्राम बनाएंगे। कांस्टेंट फोर्स हमारे पास एक ऐसी फोर्स होती है जो कि टाइम के गुजरने के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट के गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट प्रोग्रेस हो रही है बर्ड या डिस्प्लेसमेंट इन दोनों की चीज़ों के चेंज होने के साथ साथ अगर वर्क की वैल्यू जो है या इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वर्क जो है उसकी वैल्यू अगर चेंज नहीं हो रही तो हमारे पास ऐसी फोर्स जो है वो कांस्टेंट फोर्स कहलाती है। सो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास इट डज नॉट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, इसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती हमारे पास। तो ये हमारे पास एक ऐसी फोर्स है जिसे हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट फोर्स, और ये जो इक्वेशन है ये हम अप्लाई तभी कर सकते हैं जब हमारे पास फोर्स कॉन्स्टेंट है। अगर फोर्स वेरिएबल हो जाए तो हम इस इक्वेशन को डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए हमें वर्क निकालने की इक्वेशन चेंज करनी पड़ती है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो हमारे पास फोर्स लेट्स से कॉन्स्टेंट है और हम ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम बताते हैं कि वर्क डायग्राम क्या होती है। वर्क डायग्राम हमारे पास सिंपली एक ग्राफ होता है जो कि हमें हमेशा की तरह दो एक्सिस के दरमियान में ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोग इस केस पे लेते हैं डिस्प्लेसमेंट और वाई एक्सिस पे लेते हैं इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो कि हमारे पास हमें पता है एफ कॉस थीटा। अब क्योंकि मेरे पास फोर्स कॉन्स्टेंट है
तो मेरे पास अगर इसकी एक वैल्यू फिक्स कर दोगे तो जारी बात है थ्रू आउट हमारे पास ये चीज़ जो है ये चेंज नहीं होगी। ये हमारे पास क्या रहेगी, डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है आगे की तरफ, लेकिन देखें फोर्स की वैल्यू इधर टिकी हुई है, तो इससे ना ऊपर गई है ना नीचे की तरफ आई है, ये एक ही वैल्यू पर टिकी हुई है। सो हमारे पास ये जो ग्राफ है बिटवीन इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जैसे फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ भी कहते हैं, वर्क डायग्राम भी कहते हैं और इसे फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ भी कहते हैं। तो ऐसा ग्राफ जो कि हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में ड्रॉ किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट को एक्स एक्सिस पे लेते हुए और इफेक्टिव कंपोनेंट फोर्स को वाई एक्सिस पे लेते हुए, ऐसे हम ग्राफ को बोलते हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। और इसी को वर्क डायग्राम भी बोलते हैं, बिकॉज अगर हम लोगों ने एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड कर लिया तो वो जो एरिया होगा वो हमारे पास हमारे वर्क के बराबर होगा। सो अगर आपके पास कोई भी वर्क डायग्राम दी हुई है या फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हुआ है, जस्ट आप उसका एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड कर लें। जैसे कि ये हमारे पास रेक्टेंगल बन रही है ना, तो इसके ऊपर लेंथ बाई विड्थ वाला फार्मूला अप्लाई कर दें, तो जो भी हमारे पास एरिया ऑफ दैट ग्राफ होगा वो हमारे पास वर्क के बराबर होगा। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड वर्क डायग्राम। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक में देखनी है। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक में क्या होगा, हमारे पास जस्ट यहाँ पे कॉन्स्टेंट के बजाय वेरिएबल फोर्स होगी, तो हर चीज़ चेंज हो जाएगी। हमारे पास इक्वेशन चेंज हो जाएगी, हमारे पास वर्क डायग्राम चेंज हो जाएगी, हमारे पास एरिया निकालने के तरीके चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे तो सिंपल है ना, रेक्टेंगल वाला फार्मूला लगा दिया, उधर चीज़ें जो होंगी वो चेंज हो जाएंगी। लेकिन आज हम लोगों ने जो देखा है वो हम लोगों ने बेसिकली वर्क को डिफाइन किया है, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 4 का पहला पार्ट है। हमने इस वर्क को डिफाइन किया है, उसको इक्वेशन की मदद से देखा है, इसकी इक्वेशन कैसे बनी, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वर्क को देखा है कि कॉस थीटा की वैल्यूज़ और थीटा की वैल्यूज़ कितनी होंगी तो ऐसा होगा। और उसके बाद हम लोगों ने जो आखिरी चीज़ देखी है वो हम लोगों ने फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ या वर्क डायग्राम देखी है। सो फर्स्ट लेक्चर में हमारे पास जो चौथा चैप्टर का है उसमें हमारे पास यही है। कोई भी आपका क्वेश्चन होगा तो आप लोग ज़रूर पूछिए। थैंक यू।